रिकॉग्निशन लेने का सुनहरा अवसर आ गया है। इससे हार्ट अटैक, बाईपास, हृदय रोग और एंजियोप्लास्टिक से बचाव होगा, जिसके लिए खास तौर पर मुग्धा ईईसीपी एंड हार्ट केयर सेंटर लेकर आया है कार्टोग्राफी कैंप। शहर के अजनी चौक स्थित मुग्धा ईईसीपी एंड हार्ट केयर सेंटर में जहाँ आज इस शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका लाभ करीबन 25 से 30 पेशेंट्स ने लिया है। इसी श्रृंखला में खास बातचीत की है प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट और मुग्धा ईईसीपी हार्ट केयर सेंटर के संचालक डॉक्टर सचिन देवहरे से। आइए डालते हैं एक नजर। सुप्रसिद्ध मुग्धा हार्ट केयर सेंटर हमेशा ही अलग अलग गतिविधियां करता है अपने पेशेंट के लिए, और आज भी उन्होंने एक कैंप का आयोजन किया है, शिविर का आयोजन किया है। वो क्या है वो जानते हैं डॉक्टर देवहरे से। नमस्ते, मैं डॉक्टर सचिन देवहारे, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मुग्धा ईईसीपी हार्ट केयर सेंटर एंड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट। जैसे आप सबको पता है कि हम पिछले एक 6 महीने से कंटिन्यूस कैंप्स रख रहे हैं। हम अभी रिसेंटली भी एक हमारा 4th कार्टोग्राफी का कैंप है जो काफ़ी सक्सेसफुली रन हो रहा है। पिछले कैंप में भी हमने काफ़ी अप्रॉक्सीमेट हर कैंप में 20 से 25 पेशेंट्स का हम कार्टोग्राफी करते हैं, जिसमें बहुत से हम नए नए पेशेंट्स जो मिलते हैं जिनको ऐसे लगता है कि हमारे हार्ट में कुछ भी नहीं है और हम तो एकदम फिट है, लेकिन प्रिकॉशन वाइज वो जो करना चाहते हैं वो करते हैं, तो हमको पता चलता है कि उनको भला एनाटॉमिकल या कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे, लेकिन जब हम कार्टोग्राफी में देखते हैं तो उनको फिजियोलॉजिकल ब्लॉकेज हमको काफ़ी हद तक मिलते हैं। काफ़ी लोगों का नर्विंग इंडेक्स हमको बढ़ा हुआ मिलता है, जो हमको अगर एंजियोग्राफी कर सकते हैं तो उन्होंने डेफिनेटली करना चाहिए, उनको 100% वहाँ पे ब्लॉकेज निकलने के चांसेस है। तो ऐसे कंडीशन में जिनको जो मेंटली प्रिपेयर नहीं होते कि जिनको हमको बाईपास या एंजियोप्लास्टी करना है, ऐसे पेशेंट को हम उनको ईईसीपी से भी ट्रीटमेंट या एसीटी से भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हम उस हिसाब से पूरा गाइडेंस उनको देते हैं और काफ़ी पेशेंट्स कन्विंस होकर वो ट्रीटमेंट भी करना चाहते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो मोस्ट ऑफ द हम स्पेशली हार्ट के डिसीज़ में हम प्रिवेंशन पर ज़्यादा फोकस किए तो कभी भी अच्छा, क्योंकि आज के सिनेरियो हम देख रहे हैं कि काफ़ी यंग पेशेंट्स में पेशेंट को हार्ट अटैक आके कम उम्र में एक्सपायर हो रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम उसको एक कार्टोग्राफी बहुत अच्छी एक इन्वेस्टिगेशन मानी जाती है, जिसमें हमको आपका फिजियोलॉजिकल ब्लॉकेजेस, उसके अलावा आपका हार्ट का पंपिंग कैसा है, आपके वॉल के स्टेटस कैसा है, वो सब एक ही टेस्ट में हमको सब मिल जाता है। और प्रिकॉशन तौर पर अगर हमने ये कर लिया तो हमको बड़े बड़े मेजर हार्ट अटैक से हम बचे जा सकते हैं, और कुछ ट्रीटमेंट अगर एडवाइजेबल है तो अभी हम कर सकते हैं। आज जो है कितने पेशेंट इस शिविर का लाभ ले रहे हैं और कौन सी उन पर ट्रीटमेंट की गई है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि अप्रॉक्सीमेटली हमारा 4th रेगुलरली हम लोग तो 8-10 कैंप अभी तक पिछले 3 महीने में ले चुके हैं, जिसमें से ये 4th वाला कार्टोग्राफी कैंप है। पिछले 3 जो कैंप से जो हमने सक्सेसफुल रन किए हैं और ये 4th कैंप हमने बहुत जल्दी ही लिया है। इसके पीछे का रीज़न वही है कि जो हमारे यहाँ जो पेशेंट्स ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको भी वो काफ़ी अगर होते कि हमको सच में हमारा ईईसीपी या एसीडी से ट्रीटमेंट हो रहा है और उसका फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उस वजह से कुछ पेशेंट्स ने हमको इंसिस्ट किया कि हमको हर 15 दिन में अगर हम टेस्ट करवा सकेंगे तो हमको प्रॉपर रिजल्ट दिखेंगे, और हम प्रॉपर रिजल्ट देखेंगे तो हम एक प्रॉपर वे हम बाकी लोगों को भी कन्विंस कर पाएंगे कि हाँ ईईसीपी और एसीटी से भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। हर पेशेंट को हम एंजियोप्लास्टी बाईपास ही एडवाइस नहीं कर सकते, तो कुछ पेशेंट हम ईसी से भी ट्रीट कर सकते हैं। तो अभी एक्सपेक्टेड है इस अभी तक तो रजिस्ट्रेशन के हिसाब से 15 से 17 पेशेंट्स का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और अपेक्षा है कि इस कैंप में भी अप्रॉक्सीमेट 25 तक तो हम कार्टोग्राफी कर ही लेंगे। सिर्फ अनफॉर्चुनेटली हम वो कैंप फ्री नहीं कर सकते, क्योंकि ये मशीन मुंबई से हम लोग डॉक्टर नीलम पिंगड़े वो लेके आते हैं, और उनका जो भी एक्सपेंसेस है तो हमको 50% कंसेशन अप्रॉक्सीमेट 4,500 में हमको टेस्ट करा के देते हैं। तो लेकिन 4,500 कोई बड़ी अमाउंट नहीं, अगर बड़ा हार्ट अटैक आया तो हम लाखों में भी खर्चा करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन प्रिवेंशन अगर हम करते हैं और 4,500 अगर हम खर्चा करने को रेडी हो जाते हैं तो हम बड़े हार्ट अटैक से और बड़े मेजर अपने लॉस से हम बच सकते हैं। तो डॉक्टर देवहरे द्वारा ये जो है 4th कैंप था कार्डियोग्राफी का, और करीबन 25 पेशेंट ने इसका आज लाभ लिया है। इससे पहले 3 शिविर हो चुके हैं संपन्न, और उसमें कई पेशेंट ने लाभ लिया है जिन्हें उनका फ़ायदा भी हो रहा है, ऐसा देवहरे द्वारा बताया गया है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।